मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, BSTCS सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो है आपका सिक्स पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। कल जो हमने पढ़ा था वो आपका राइटिंग स्क्रिप्ट पढ़ा था, प्री राइटिंग पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, तो कर्सिव पढ़ा था आपने, कर्सिव स्क्रिप्ट पढ़ा था, राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट पढ़ा था और हमने प्रिंट स्क्रिप्ट पढ़ा था। और ये हमने पढ़ा था, आपको बताया था कौन कौन सी होती। तो अब जो हम पढ़ेंगे मैथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग, मैथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग, यानी कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम राइटिंग बच्चों को सिखा सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड आता है हमारा किंडरगार्टन मेथड, किंडरगार्टन मेथड। ये आपने सुना भी सुना होगा, कहीं कहीं आपकी किंडरगार्टन जो प्ले स्कूल होती है, प्री प्रैप क्लास होती है, प्ले स्कूल होती है, उनको किंडरगार्टन भी कहते हैं। और आपने ये सुना होगा नाम, इसलिए उसी नाम से है। तो जो प्री पैप क्लास है उनको राइटिंग सिखानी बच्चों को, राइटिंग स्क्रिप्ट, तो हम किस माध्यम से सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे। तो वहाँ पर जो होता है सबसे पहले जो ब्लॉक्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऐसे रखे जाते हैं, कुछ स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे, ये आपका हो गया, या इस प्रकार से है वो आपका हो गया, स्लाइड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका ये आपका स्लीपिंग हो गया। इस तरह के ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं इन बच्चों को सिखाने के लिए। तो मान लीजिए हम उनको ए फॉर एप्पल बनाना सिखा रही है, राइटिंग में हमको उनको सिखाना है, पर राइटिंग वहाँ पर लिखकर नहीं, प्ले स्कूल है, किंडरगार्टन है आपका, तो वहाँ पर किस तरह से सिखाया जाएगा, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने ये वाला स्लेंट को ले लिया, तो एक स्लेंट ऑब्जेक्ट हमने लिया उसको यहाँ रखा, दूसरा स्लेंट ऑब्जेक्ट लिया उसको हमने यहाँ रखा। अब ए फॉर एप्पल बनाना बीच में क्या रहेगा, ये तो हमने स्लीपिंग ऑब्जेक्ट को लिया उसको हमने यहाँ पर रखा, तो ये बन गया आपका बी। उसी तरह से ये ऐसे ऑब्जेक्ट भी वहाँ पर होते हैं, यदि तो अगर बी बनाना सिखाना है तो पहले हम ये वाला ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पर बताएंगे, इस तरह से हम उनको सिखाएंगे। तो पहला तरीका तो जो टीचिंग मेथड का वो है आपका किंडरगार्टन मेथड, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को या बच्चों को राइटिंग सिखाते हैं। दूसरा जो माध्यम होता है हमारा फ्री इमिटेशन मेथड। तो पहला तो आपने लिख लिया, इससे एग्जाम्पल को भी आपको ऐसे समझाना था। दूसरा है आपका, दूसरा जो मेथड है वो है फ्री इमिटेशन मेथड, फ्री इमिटेशन मेथड। फ्री इमिटेशन मेथड से क्या मतलब है, देख लीजिए। जो फ्री इमिटेशन मेथड होता है, पीपल्स कॉपी इन देयर नोटबुक द मॉडल लेटर्स रिटन बाय टीचर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड और नोटबुक्स और रिटन इन देयर बुक्स। तो इमिटेशन का मतलब होता है इमिटेट करना, मतलब किसी को नकल करना या हूबहू लिखना। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिया माय नेम इज रिया, I live in Delhi. I am 6 years old. ये बोल्ड में लिख के देंगे हम, कर्सिव में लिखिए, राउंडेड कर्सिव में, जिस भी स्क्रिप्ट में हम लिख के देंगे तो विद्यार्थी क्या करेंगे इसको इमिटेट करेंगे, यानी ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिख के देगा, इमिटेट कर ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखता है तो नहीं कि वही चीज विद्यार्थी अपनी नोटबुक में लिखते हैं, यानी उसकी नकल उतारते हैं बोर्ड पे से देखकर लिखना, ये आपका इमिटेशन मेथड होता है। दूसरा तरीका ये है सिखाने का। और नेक्स्ट जो है आपका तरीका एक और मैं सिखाने का मैं बता रही हूँ, दो मेथड होते हैं। तीसरा मेथड जो है आपका वो है ट्रेसिंग मेथड, ट्रेसिंग मेथड। तो ट्रेसिंग मेथड क्या होता होगा, आपने जिस 11th 12th में की, अगर 12th 11th में आपने देखा हो तो अगर जिसकी ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के अंदर एक ट्रेसिंग टेबल होता है, जिसमें टेबल रखा जाता है, उसके ऊपर शीट होती है, नीचे लाइट जलती है, उसके ऊपर हम जो भी शीट रखें उस शीट को रखकर उसका वो कॉपी कर सकते हैं, यानी वहाँ से उसको बनाकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अगर दूसरा है तो मैं आपको बताती हूँ, एक तरह से स्टेंसिल्स आते हैं, आपने लैप का देखा होगा, हम इंडिया के मैप का भी एक स्टेंसिल्स रख देते हैं। मान लीजिए ये मैंने कोई आकृति बनाई, इसका स्टेंसिल रखा, इसको यहाँ से इस प्रकार से कटिंग किया हुआ होगा ये, फिर इस चीज़ को हम अपनी कॉपी में रख सकते हैं और उसको फिर वहाँ से हम बना सकते हैं। तो ये बनाना, ट्रेस करना, यानी कोई चीज़ बनी हुई होती है उसको हम अपनी कॉपी पर रखकर बना सकते हैं। जैसे कि इन दिस मेथड द लर्नर्स ट्राई टू राइट विद द पेंसिल। और दूसरा तरीका मैं आपको बता दूँ कि ट्रेसिंग का एक और
एग्जांपल में आपको दे देती हूँ। इस प्रकार के आपने स्केल देखे होंगे जिसमें ऊपरी भी आकृतियाँ बनी हुई होती है, जैसे मान लीजिए आप ए है, कुछ स्ट्रॉक्स बना के दे दिए जाते हैं उसके माध्यम से। ये स्ट्रॉक्स स्टार्टिंग में स्ट्रॉक्स ही सिखाए जाते हैं, उसके बाद में दूसरी चीजें सिखाई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए या तो चॉक से उसको बनाने के लिए दिया जाता है, या फिर कोई सैंड है यहाँ पर रेत रख दी जाती है, रेत के ऊपर उंगली से फिंगर से उसको बनाने का सिखाया जाता है। वो आपका एक्सिंग फ्रेंच मेथड होता है, यानी कि जिसके अंदर कुछ स्ट्रॉक्स दिए जाते हैं, कुछ आकृतियाँ दे दी जाती है जिनको या तो वो रेत पर बनाना सीखता है या फिर चॉक से पेंसिल से उसको बनाना सीखता है। आफ्टर हैंड मूवमेंट, पहले उसकी इसके अंदर होती है हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस। फर्स्ट खिलाता हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस, आफ्टर हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस वो क्या करता है, ड्रॉ दिस स्ट्रॉक्स, उनको बताया उनको हैंड मूवमेंट की जब हो जाती है तो सबसे पहले उनको जो कराया जाता है ड्रॉ, इस तरह से आप देख सकते हैं ड्रॉ दिस स्ट्रॉक। आप उसके अंदर स्ट्रॉक दे सकते हो, स्लीपिंग दे सकते हो, स्लैंडिंग स्लैंड दे सकते हो, स्टैंडिंग दे सकते हो, इस तरह के आप उनको स्ट्रॉक्स दे सकते हो ताकि उसको बनाए। दूसरा तरीका है आपका सर्कल दे सकते हो, फिर ये वाली चीज सिखाने के लिए आप सर्कल दोगे, जिसके ओवल जैसा आपको बना देना हो तो सर्कल देंगे। सर्कल देने के बाद में कंबाइनिंग स्ट्रॉक एंड सर्कल इस तरह से फ्रेंच मेथड में चलता है, कंबाइनिंग स्ट्रॉक विथ सर्कल। तो किस तरह से करेंगे, आपको ये स्टैंडर्ड लाइन की स्लीपिंग लाइन देंगे, लाइन की स्लैंट लाइन देंगे, साथ में आपको ये दिया सर्कल को ऐसे छोड़ के यू ये इस तरह से बनाना सिखाना, कंबाइन करना सिखाते हैं। तो उसको हम कहते हैं जैसे कि यहाँ है, फिर यहाँ पर हो गया तो बी बन गया, ये बना बी बनाना सिखाया। इस तरह से स्ट्रॉक को कंबाइन करा जाता है सर्कल के साथ में। फिर आपका कर्व्स नेक्स्ट जो आता है वो होता है कर्व्स बनाना सिखाना, जो उभार वाली चीज़ें होती है, जैसे कि फिर ये बनाते हुए यहाँ से कर्व लेना सिखाना, उल्टा सीधा दोनों तरफ सिखाना, ये आपके कर्व्स होते हैं वो सिखाते हैं। फिर है कॉम्बिनेशन स्ट्रॉक्स एंड कर्व, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉक एंड कर्व। तो किस तरह से करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है तो आपने ये सिखाया, ये है ये यहाँ से कर्व लेके ये करना सिखाया, फिर ये आपने सीधी सी एक लाइन आपने स्टैंडिंग लाइन लीजिए, फिर उन बच्चों को बोला कि आपने कर्व लीजिए यहाँ से, तो उन्होंने कर्व को लिया, फिर यहाँ स्लिपिंग लाइन लगा दी, इस तरह से कंबाइन करना सिखाया जाता है। तो ये था आपका ये मेथड्स आप सीखो, उसके बाद में जो उसकी एक्सरसाइज है मैं आपको बात करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ऐसे फ्रेंच मेथड के अंदर किस तरह से स्ट्रॉक को सर्कल से कॉम्बिनेशन कराया था, किस प्रकार से कर्व को स्ट्रॉक से कॉम्बिनेशन करा के वर्ड्स को सिखाया था, मतलब राइटिंग को किस प्रकार से लिखना सिखाया जाता है वो
पर बताया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।